जय वाल्मीकि, जय भीम, जय शिवराय। आज मेरी जनता, मेरी समाज मेरे साथ आई हुई है और शेख साहब के पास में मैं गया, क्या मेरी समाज को लाभ नहीं मिल रहा? तो शेख साहब ये बोले, क्या मैंने 205 फेल भेज दिया हूँ? तो मैंने ये बोला, क्या साहब किधर भेजे? आप अपने मुंह से ऐसी बोल रहे हैं, क्या एक साल हो गया है? दूसरी आदर को 4-4 महीने के अंदर 15-15 लाख रुपए गिन रही है, जो हकदार है उनको तो मिल रहा नहीं लोन। एक साल अपने मुंह से बोल रहे हैं शेख साहब, मैनेजर महात्मा फुले के, क्या तुम्हारी फेल 205 एक साल हो गया है भर के? आखिर कब तक हमको न्याय देंगे? अब 2024 लग जाएगा, आएंगे मंत्री संतरी आश्वासन देके अपनी वोट लेके चल जाएंगे। अरे वाल्मीकि समाज पूरी देश की सेवा करता है, ये कह गए जो हमारा मान सम्मान है, कहा है हमारा जो हक्का निवाला है। आज जरंगे पाटिल जो रोड पे उतरे हुए हैं आरक्षण के लिए, इनके 32 पर ऐसे निकले हुए हैं। मराठा समाज का जो निवाला रोटी है वो दूसरी कौम को जा रही है। और मैं ये समझता हूँ, क्या जरंगे पाटिल के साथ में पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा है, इनको आरक्षण देना चाहिए। आज शोषण हो रहा है हमारे वाल्मीकि समाज के ऊपर, हकदार है, मजाक बना रखा है हमारी। तो मैं ऐलान करता हूँ, हमारे संभाजी नगर के औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर, इबादी आयुक्त, जिला अधिकारी, हमने 21 तारीख को वापस आने का बोला है। अगर हमारा सेंशन, हमारी मंजूरी नहीं आती है तो ऐसा आंदोलन रहेगा क्या पूरे संभाजी नगर में नहीं होगा। मांग ये भाई, सुबह उठ के मेरी समाज ताजा कमाती है, ताजा खाती है, इनको क्या ड्यूटी है? गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी है क्या इनको? वाल्मीकि समाज के सिर्फ 4 लोग है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो हमारी रोटी है वो भी दूसरों को बांट दिए। सफाई का काम हम ही करते हैं और 420 जहाँ चल रही है। जिला अधिकारी हमारे को प्रमाण पत्र देता है मेला सफाई का, और ओरिजिनल मेला सफाई हम है। इधर कोई भी कौम आ रही है, साहब मैं मेला पत्र आनला, मैं प्रमाण पत्र आला। अरे जो मेन आदमी है वो कहा है? उल्लू कुमार है। आज मराठा समाज के साथ अत्याचार हो रहा है तो उससे ज्यादा वाल्मीकि समाज के ऊपर हो रहा है। सर, औरंगाबाद में अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता भी है, क्या आप उससे चर्चा की, उससे बातचीत के ऊपर रहा? नेता क्या करेगा, जिसका हाथ टूटा ये दवा खाने में जाएगा, मेरे को ठोकर लगी मैं दवा खाने में जाऊंगा? अरे कौन MP काम आ रहा, कौन विधायक काम आ रहा, कौन नगर सेवक काम आ रहा, कौन मंत्री काम आ रहा? कोई नहीं, अपना हाथ है अपना खाओ, और नहीं है तो भूखे बैठ जाओ। कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी नहीं है इधर। सर आज पूरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे हैं सरकार आपके दरी, यानी सरकार का अभियान चल रहा है कि सरकार आपके दरवाजे तक पहुंचेगा, आपकी समस्या क्या है? और आप कह रहे हैं एक साल से नहीं, क्या कहेंगे सरकार? क्या आपको तो मालूम है 2014 से लेके 2023 तक हर एक गरीब भूखा सो रहा है, और ये बड़े बड़े होटलों में याशी कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं क्या योगदान देश करने में वाल्मीकि समाज का? सफाई का काम श्री वाल्मीकि समाज ही करता है। सर आने वाले 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपके समाज की तरफ से अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, आपको इंसाफ नहीं मिलता है, कोई चेतावनी को आह्वान करेंगे आपकी ओर से? आप इनकी जगह पूरे महाराष्ट्र में इनकी जगह इनको बता देंगे, ये जहाँ से आए ना वहाँ उनको भिजाएंगे। सर निवेदन, और आपकी क्या क्या मांगनी है? निवेदन आपको मैंने बता दिया है साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही बोल रहा हूँ कि 21 तारीख को मैं आता हूँ शेख साहब के पास। अगर 21 तारीख को मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो संभाजी नगर में ऐसा पहला आंदोलन होगा जैसा कि मेरी समाज और अजय सिंह चावरिया इधर से उठेगा नहीं, इनकी जगह इनको बता देंगे। हमारे 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख की जो फाइला थी वो अभी तक नहीं हुई है। 2020 से लेकर 2023 तक हमें कुछ न्याय नहीं मिला है इसके ऊपर। और जो आदर दूसरी कास्ट है वो कास्ट को इन्होंने ये लाभ दिया है, हम लोग को इनका लाभ नहीं मिला, इसके लिए हमने ये निवेदन दिया है साहब को। कितने 205 लोगों की फाइल इन्होंने भेजी है अभी। लोन की राशि कितनी? राशि 1 लाख से लेके 15 लाख तक। दूसरी समाज तो कर रही, सर समाज कर रही थी हमारे साथ में, ऐसा जो है अन्याय हो रहा हमारे साथ में,
ये हमेशा कब तक चलेगा, ये सरकार से पूछना चाहते हैं हम लोग। हमारे बच्चों को कोई रोजी रोटी नहीं, कोई लोन वगैरह नहीं, कोई सुविधा नहीं। बोलते हैं कि ये आरक्षण आपके आपके इसमें है हक में, पर हमारा कहाँ पे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 3 बार लोन की फाइल भरी हमने, 2008-10 से भर रहे हम, और अभी तक 3 बार भर चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं। दूसरे समाज के लोगों को मिल रहा है, उनको चेक वगैरह सब मिल गया है, पर हमारे लोग कहाँ जाना, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। तई हमारे औरंगाबाद में अलग अलग पार्टियों के सभी अलग अलग नेता है, ये दावा करते हैं कि हम गरीबों को सेवा कर रहे हैं, हम गरीबों को साथ। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं, हमें कोई सहायता नहीं मिली। आपके पास पहुंचा? नहीं नहीं, खाली आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। हमारे लोग आपके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली लोग दिखावा। ये मजाक हमारे साथ में ना ही हो तो अच्छा है, वरना हम लोग अपना जो है अपना निर्णय खुद लेंगे। अगर सरकार करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको जो करना है हम करेंगे। महाराज की जय। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकरांचा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकरांचा विजय असो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। सब महामंडल अभी प्रशासन ने शासन ने अलग अलग कर दिए, बराबर 20 से लेके तो 21 तक उनसे वाल्मीकि भंगी समाज को महामंडल ने लाभ दिया, 1 लाख का दिया, 2 लाख का दिया, 10 लाख का दिया। मतलब अड़चन क्या है सर कि हमारे साथ इतनी शोषण हो रहा है, क्या हमारे साथ में पर्सनली दुश्मनी है? ऐसा कुछ नहीं, क्यों भेजेगा तुम्हारे समाज की सब फैल आपकी पीछे जो फैले, ये है पूरी बोकस है। जिला अधिकारी हमारे को महिला सफाई का प्रमाण पत्र देता है, महिला सफाई के अनुसार आप लोन महामंडल देता है। आपने तो सब आदर कौन को आदर समाज को दिए सर? अपन ने कम से कम तुम्हारे समाज के 200 से 225 कार्य प्रकरण ठीक है सर बताओ पूरे भेजा तुमको होना तो पूरी लिस्ट सर। भेजने से कुछ होता नहीं, आप हमारे को सहकार्य करेंगे तो ये जनता खड़ी हुई है वाल्मीकि समाज में, भेजने से तो आप प्रचार की पूर्ति करेंगे। मंजूरी के लिए हमने आपके समाज के पूरे 200 सवा 200 कर्ज प्रकरण मंजूरी के लिए भेजा। सर ऐसी बात नहीं है सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती चाहता हूँ, क्या कहीं कागज ऑनलाइन कर दिया है बराबर? अब उसके पीछे लगना पड़ता है, आप ऑनलाइन करेंगे, आप चेयर पे बैठे हुए, आपके कैमरे चालू हुए, शासन को दिखते हैं आप ड्यूटी बराबर कर रहे, पर हमारी ड्यूटी कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा ना सर। हमारे कुछ सेंशन आने से 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। आखिर बात क्या है सर, बोलो ना, इसका खुलासा करो सर। कैसा है जैसा जैसा निधि प्राप्त होगा उसके हिसाब से मंजूरी लेकर सर, आपने लोक से पद्धति ने लगाना चाहिए कॉम्प्लेट भार, क्या वाल्मीकि समाज की कितनी लेन हो गई है, कोई आदर को आदर समाज आती है उनको आपने डिटेल देना है कि हमारे पास इतनी फेल जा चुकी है और महामंडल के पास पैसा नहीं है। ऐसे आपने एक सिस्टमेटिक योजना लगाना है सर आपने। अभी मेरे को ये बताओ कि 2020 से लेके तो 2023 तक आप तक कितने प्रकरण हुए अभी महामंडल का, कोई वाल्मीकि समाज को अपने क्या लाभ दिए सर? प्लीज हाथ जोड़ के विनती है बताइए सर। कुछ भी नहीं मिला, लिस्ट जावा ना, लिस्ट जाती है सर, वो लिस्ट लेके वहां फेंक देंगे मेरे में, कोई निर्णय नहीं आता वो लिस्ट का। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सर, कोविड के बाद तो जो के साथ तो काम बंद थे, बाद में जो है जैसा भी चालू होगा कोविड के होके आप हमने जो है फिर जैसा जैसा मैं आया यहां पे तो तकरीबन 200-250 कर्ज पकड़े तुम्हारे मैंने मंजूरी के हस्ते ना क्या, अब वो सब मंजूरी में जैसा उधर से निधि आएगा चलो सर ये मान्य करता है हम कि 20 तक पूरा काम बनता पूरा सिस्टम बनता बराबर, पर 24 महीने के अंदर सेंशन कितने आए, मंजूरी कितनी आई, और किस वाल्मीकि समाज के हाथ में 50,000 से लेके एक नीचे की लेवल बोल रहा हूँ साहब आपको, 50,000 से लेके किसको लाभ मिला है? 50 दिए भाई एक लेडीज को, एक पुरुष को दिए या 1 लाख दिए, उसकी माहिती दे दो साहब। अब इनके 2-4 केसेस है ना, नहीं आए ना साहब, हमारे सुनो साहब, देखो सुनो, हमारे आ रहे, सुनो आ रहे, ये महामंडल में हमारे लोगों को नहीं सर, देखो देखो 2 मिनट सर, ये आपका नहीं आपका निखा नहीं, आपको कुछ देता क्या है इसका काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं साहब आपने डायरेक्ट ऐसी बोल दिया ना, तो अभी डायरेक्ट अभी बताओ क्या वाल्मीकि समाज के काम कितने हुए हुए अभी बता दो साहब, और बम्बई में अभी फोन लगाओ क्या महामंडल के अंदर पैसा नहीं है,
क्या वाल्मीकि समाज की फेल इतनी है, इतना कंफर्म होना जनता है, जनता बोली प्लीज सर भाई वो नहीं हुआ ना साहब। दो मिनट रुक जाना भाई तुम बात करो नहीं तो मैं करता एक एक महीने बटो साहब। अभी कितनी फेल गई ऑनलाइन, कितने जनों के एमडी साहब ने आर एम करे जल्दी करो। हाँ सर ये नहीं समझ कितनी कर्जा प्रकरण पाठा लेते ना और यही भी मंगाओ क्या जिला अधिकारी मेला सफाई का प्रमाण पत्र देता है वो भी फेल मंगाओ। यहाँ जो काम होते हैं ना सर ये वाल्मीकि समाज का स्पेशली काम होते हैं, अलग अलग ब्रांड बता दिया है। जरा चमत्कार समाज का अलग है, उधर से अलग है, इधर का अलग है। ऐसा सफाई कामगार बोलने के बाद सफाई कामगार के लोगों को अपन लोन देते हैं बराबर बराबर। वाल्मीकि समाज बोल के ऐसा स्पेशल ऐसा नहीं है बराबर। जो सफाई काम कर रहा है वो कोई भी जात का रहें तो कोई भी रहें बराबर। वो अगर समझो सफाई काम करता है नगर पालिके में काम करता है, दवाखाने में करता है, या फिर अदर जाके करता है, ऐसे लोगों को अपना योजना का ये है समझे योजना ऐसे लोगों का अपन फॉर्म लेते हैं और ऊपर मजदूरी कैसे। नहीं 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 सर आप बराबर बोल रहे हैं। जिला अधिकारी का प्रमाण पत्र बताओ क्या ये मेला सफाई का काम करता है और जिला अधिकारी हमको आदेश देता है कि ये मेला सफाई करता है बराबर। सर आपकी सुन लिया है, जो आपके पास जो कागज सादर होते हैं लोगों के वो बोकस होते हैं एक नंबर। जैसा कि आपने बोला ये बंदे के तीन काम हो गए, हमसे कुछ लापत्ती नहीं है। बजट आया इनके काम हो गए ऐसा थोड़ा बजट अभी कितना है ऐसा जैसा अभी नहीं है बजट है कि जब बजट आएगा तो देंगे तुम्हारे सब बजट नहीं सुन बजट का कितना आएगा सर। अब यहाँ नहीं आता ना अपने पास नहीं आता ना बजट यहाँ से बांटने में होता है। आप महामंडल के अधिकारी है आपको सब मालूम होगा ना सर। भाई क्या बता बजट पैसा जो आता ना अपने पास नहीं आता हेड ऑफिस को आता है मंजूरी देने के हेड ऑफिस को फोन करो मंजूरी देने के अधिकार हेड ऑफिस को है समझे क्या। और 5 लाख तक के जैसे आर एम ऑफिस को हमारे पास है कि हम यहाँ से जो सब मंजूरी के लिए प्रस्ताव तुम्हारे सिफारिश करते हैं बराबर। इतना हमारा काम है जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल बराबर। ओके सर आपका और कुछ बोलने का तो बोलो सर बता रहा ना। ओके जो है ऑनलाइन फेल कर दिया आपने अभी बैठने से पहले बोल दिया सबकी ऑनलाइन कर दिया बराबर। ऑनलाइन मंजूरी कैसे भेजिए बोला मंजूरी के लिए भेजिए ऑनलाइन करके आप उनको फॉलो कर सकते हैं कि इतनी फेल हमने भेजाए है और पैसा कितना है महामंडल के पास क्या नहीं है। हर महीने में हमारा रिपोर्ट जाता कि हमने इतने इतने केसेस उनको भेजा है। चलो हर महीने ये मैंने कहा हर महीने में बताता हूँ सब देखा रवि क्यों नहीं ऐसा नहीं है हर महीने में अपना उसको जाता कि हमने इतने केसेस बीच में कुछ मैं बोलिए अपना डिटेल कुछ हुआ कितने किस है कितने और वही बताओ सर कितने लोगों की सेंक्शन आए हुए मैं पूरे आपके सामने बोलूंगा। क्या डुप्लीकेट ये प्रमाण पत्र लगाए हुआ है जाति का प्रमाण पत्र से लेके तो मेला सफाई का जिला अधिकारी का सब डुप्लीकेट जो लोग है उनको आप लोन करते हैं आपकी गलती नहीं है उसमें आप क्या करते हैं। हाँ ये मेला सफाई है ये करुण दरिया से लोकर आप ये देखते नहीं क्या ओरिजिनल वाल्मीकि समाज का है क्या ओरिजिनल ये मेहतर वाल्मीकि है ऐसा तुम चेक नहीं करते साहब। इधर मैं क्या दावे के साथ बोलता हूँ जो मेला सफाई का प्रमाण पत्र है वो डुप्लीकेट है वो भी फेल बताओ साहब मेरे क्योंकि मेरी समाज धूप में पड़ी हुई है बरसात भी झेलती है ठंडी भी झेलती है। मेरी समाज सुबह 5 बजे उठ जाती है लोगों की सेवा करती है और जिन्होंने आपको झूठे कागज देके लोन का लाभ उठाया है वो एक नंबर के डिफॉल्टर लोग हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये महामंडल हमारे वास्ते बनाया हुआ है हम डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व के अंदर काम करते हैं तो हमारे हमारा लाभ दे आज लाभ लेके जाएंगे। अभी दिल्ली में बोलो या फिर बम्बई में बोलो कुल के महामंडल के अंदर कितना पैसा है क्या नहीं है और जिन लोगों को आपने लोन दिए भाई पैसे कहाँ से आए थे ये बताओ। सर ये देखो पूरी लिस्ट वाल्मीकि समाज की बराबर ये सब मंजूरी कैसे भेजा है आपने भेजा है ना सर। हाँ मैंने भेजा इसे मेरे पास कोई जो अधिकारी उन्होंने भेजा है बराबर पूरी कितने सर पर मंजूर कितने हो रहे दोनों कितने 205 लोग है बराबर। अभी 205 की कब अपने से अपने सेशन के लिए भेजा है सर ये इसको भेज के भी एक साथ पूछ होगा ना। और अगर रनिंग में भी चल रही है तो रनिंग में भेज रहा अभी फोन लगाओ क्या एक साल हो गया ये 200 कितनी है फिर 5 205 फिर हमने भेजा है उनका रिजल्ट क्या है क्या वाल्मीकि समाज की जात निकाल रहे क्या वाल्मीकि समाज के साथ कुछ शोषण कर रहे क्या वाल्मीकि साथ के साथ में क्या धूपने मार रहे क्या खूब खुश के मार रहे बोलने का मतलब ये है एक साल आपने आपने मुझसे बोला है अभी सर हेड ऑफिस में फोन करवा आ
अजय सिंह चावल, अजय सिंह चावल के साथ ही आए हुआ मिल जाए। उनका ऐसा कहना है कि वो हमें एक साल हो गए यहाँ से हम पहला बेच के मंजूरी नहीं मिली, उसके बारे में आपसे बात करना चाहते थे। सर जय भीम जय वाल्मीकि, अभी हमारे शेख साहब बैठे हुए है संभाजी नगर औरंगाबाद के महामंडल के अधिकारी बोलेंगे हम उनको। सर इन्होंने अभी एक चर्चा की है कि एक साल 205 फेल आपके पास भेजाई हुई है। सर एक साल वेटिंग करना सर कैसा है आपको? प्रशासन के शासकीय सफाई का अपने कर्मचारी है, आप ऑफिसर है, आपको टाइम पे पेमेंट मिलती है सर बराबर? हेलो, आपको टाइम पे प्रशासन के आप कायम सुर भी ड्यूटी पे, बोलने का मतलब ये सर आपको टाइम पे पेमेंट मिलता है सर, तो वाल्मीकि समाज को एक साल क्यों लगा है सर? तो हमको बड़े आदमी बनने से क्यों रोक रहे सर आप? हाँ नहीं नहीं एक साल हो गया ना सर, शेख साहब बोले थे एक साल हो गया है 205 पैर बेच के, एक साल सर 12 महीने होते ना सर। मैं अजय सिंह चावरिया बोल रहा हूँ, वाल्मीकि समाज का एक समाज सेवक बोल रहा हूँ सर जी। बराबर सर मेरी आपको आवाज़ आ रही है मेरे को? तो आपकी आवाज़ बराबर आ रही है। जो प्रमाण पत्र देता है जिला अधिकारी महिला सफाई का, जो आधार कुंभ में इसका लाभ लिया और महामंडल बना है वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी या जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनको एक एक साल हो गया है सर, उनको 50,000 से लेके 1,00,000 तक लेके 10,00,000 तक कुछ भी लाभ मिला नहीं सर एक साल हो गया। शेख साहब मेरे सामने बैठे हुए सर, अभी आप बोल रहे हैं देखेंगे, कब तक देखेंगे सर? बोलो सर जी, बोलो 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 सर। हाँ सर, मैंने भोपाल वह सुनिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे आपने रिस्पॉन्स दिए है और कॉपरेट कर रहे हैं सर। मेरे बोलने का मतलब ये है सर, आपके शेख साहब अधिकारी बैठे हुए 205 फेल गई हुई है, एक साल हो गया है सर, अब तक कब तक रोकना सर? हम बोलने का मतलब ये आ रहा है, आपको जैन होके 1 महीना हो गया है या 15 दिन हो गए हमने समझ लिया सर, पर जो देश की सेवा करता है रात दिन महिला सफाई का, उनको लाभ एक एक साल तक क्यों नहीं मिल रहा सर, ये बोलने का मतलब था सर। बोलो ना सर, बोलो ना। हाँ बराबर सर, एक बात बोलता हूँ आपको मालूम आपके लिए, आज जो पूरे संभाजी नगर में पूरे महाराष्ट्र में जो मराठा समाज का जो हक निवाला है वो दूसरे लोग खा रहे हैं, नहीं तो मराठा समाज आज तल तल मलमल कर रहा है अपने आरक्षण के लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया है मराठा समाज का जो आरक्षण है कोई दूसरा ही खा रहा है। खैर के रोड पे जरंगे पाटिल रोड पे आया सर, आज मेरी समाज मेरे साथ में आई हुई है सर, आपको 15 दिन महीना भर हो गए जेंड होके, तो मेरे बोलने का मतलब है ये लाभ हमको कब तक मिलेगा सर? मैंने आपसे ये पूछा है सर, प्लीज आई डोंट केयर सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नहीं 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 सर, नागपुर में है आपकी ड्यूटी, आप ड्यूटी कर रहे हैं, मैं मेरी समाज के साथ आज आया हूँ,
और शेख साहब ने ये भी बोले मेरे को आपकी एक साल हो गया फेल जाके 205। मैं आज हक्की निवाला, मेरे हक्की लड़ाई, मेरे हक का पैसा लेके जाने वाला हूँ, सरकार का पैसा लेके जाने वाला हूँ सर, क्योंकि शेख साहब ने बोला है एक साल हो गया है सर। एक एक साल लगता है क्या सर? जो देश की सेवा करता है वाल्मीकि समाज, आज उसको एक एक साल लगा रहे सर। दूसरी फेल तो 6-6 महीने में आप पैसे भी दे देते हैं, उनको सब दे देते हैं सर। हमने क्या किया है सर? सब बंद हो जाओ। हमने क्या किया है सर, बोलो ना। बोलो बोलो सर, बोलो। देखो सर, मैं आपकी बहुत सीधा करता हूँ और पूरी वाल्मीकि समाज आपका आभारी रहेगा। योगदान आपका, वाल्मीकि समाज हर जाति का कोऑपरेट करता है, हर जाति की इज्जत करता है। मैं अभी लेखी में लिख रहा हूँ, लिख के ले रहा हूँ किनसे, शेख साहब से, क्या कब तक हमारा वाल्मीकि समाज के 205 फेल का सेंक्शन कब तक आएगा, मैं लेखी में लिख के ले रहा हूँ सर, आपके मालूमात के लिए मैं बोल रहा हूँ सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय वाल्मीकि, जय भीम। बात करो, लेखी में लिख के दो सर। क्या करा, पूरा 10 लाख 15 लाख और 1 लाख पूरा है ना, इतर समाज को बांट के चले गया। हाँ, पूरा इतर समाज को बांट के गया, 15 लाख की, 10 लाख की। हमारे वाल्मीकि अपने, मतलब अपने वाल्मीकि समाज को है ना, 1 रुपया अब तक मिला नहीं साहब। करके ये लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। और तुम अभी तुम बैठेंगे टेबल पे, तुमको पूरा बायोडाटा मालूम हो जाएगा। हमने पूरी पूरा माइती अभी दे रहे साहब को। हम क्या भाई, हमको माइती में लिख के ले माइती दो। अभी तुम देखो साहब, 15-15 लाख के लोगों के चेक आए, अभी 15 दिन पहले चेक आए, 10-10 लाख के चेक आए, अब तक वाल्मीकि समाज को एक भी नहीं मिला। और ये गिडाम साहब पे हम लोग कोर्ट में खींचेंगे, गिडाम साहब को छोड़ेंगे नहीं साहब। 2003 का फाइल भर ला रहे, अभी तक 3 बार फाइल भर ली है वाल्मीकि समाज की। ये सर मेरे को मालूम है, ये आज चाव गया, ये बोले चलो आप इसमें, बोला चलो भाई चलेंगे। और हम 20 तारीख को आ रहे साहब इसको, आज चाव गया लेके आता मैं, तुम आओ वहाँ से, हाँ नागपुर से आओ, हम आते मिलते दूंगे साहब। लेकिन ये देखो साहब, वाल्मीकि साहब है, ये वाल्मीकि समाज अभी बहुत ही चीज। मैं लिख के लेने वाला हूँ, 20 तारीख को भी आऊंगा, अभी मैं शेख साहब से लिख के लेने वाला हूँ। चलो साहब, ताजा कमाते ताजा खाते रोज का ही, इनका जो हमारा जो हक का पैसा है वो दूसरे आदर को हमको दे दे रहे सर। आपके चपरासी को बोला, नहीं नहीं सर, आपके चपरासी को बोला। देखो अभी अभी मैं चोरी बताता हूँ, ये फाइल निकालो, वाल्मीकि समाज के कैस के पीछे, कांच के पीछे की, ये भी निकालो। ये नहीं है जी फाइल, वो फाइल नहीं है, ये फाइल पेंडिंग पड़ गया है, वैसे फाइल तो वाल्मीकि समाज की है सर। वाल्मीकि समाज के लिए, हां फिर यहां पे क्या करी सर, ये ब्रांच के अंदर क्या करी? एक मिनट, एनएसएफडीसी की फाइल है। अरे सर मैं सर, शेख साहब मेरी बात सुनो ना, बराबर बोल रहे फाइल बोलते हैं ये फेल। तो हमारे ऑफिस में क्या कर रही है? अरे हमारे ऑफिस में क्या करी, ये हमारा हमारा ब्रांच है ना, ये हमारे ब्रांच में क्या करनी फेरी है? एक मिनट, योजना कितने चलते मालूम है आपको? योजना चलती है सर हमारा, वो तुम्हारी योजना की नहीं है, वो एनएसएफटीसी योजना के फाइल वाले बिल्डिंग। 2 मिनट, हमारी समाज की सर, नहीं हमारे समाज की नहीं, हमारे साथ 2 मिनट जाओ भाई, 1 मिनट जाए तू सर, बाजू में चलो, चमत्कार समाज का ऑफिस बाजू में, एक ऑफिस ऐसी फेल ना ना साहब बात है। हां
हमारी चलो हमारी बात सही बोल रहा वो नहीं नहीं सही नहीं हमारे पास कुत्ते योजना सर ये समझ के ले सब समझ के ले तो तुमको समझेगा हमारे पास एनएसएफडीसी चलती जो बौद्ध समाज के वास्ते थी वो फाइल आया वो समझे क्या आपके पास तुम्हारे समाज की भी चलती बैंकों की फाइल चलती अपना आप ये गठे है पीछे रखे बैंकों की फाइल एक स्कीम में चलती दो मिनट रुको साहब एक स्कीम बराबर है साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ करते रहूंगा अभी एक काम निकालो सर जो वाल्मीकि समाज की फेल है वो वाल्मीकि समाज की फेल चलेंगे मैं आपसे विनती कर रहा हूँ एक मिनट ऐसा नहीं ऐसा तुम्हारे समाज की स्कीम अलग है बौद्ध समाज की स्कीम अलग है कई बैंक की स्कीम अलग है अनुदान की स्कीम अलग है महात्मा फुले महाराज के एक स्कीम पाँच छह स्कीम चलते हैं समझे तुम्हारे समाज के अलग चलते हैं एनएसएफ के अंदर बौद्ध समाज की चलती है बैंकों के अंदर मार्जिन मनी की चलती है अनुदान की योजना चलती है ये स्कीम अब तुम बोलेंगे ये फाइल हमारी है हमारी क्यों आ रही बोले तो ऐसा नहीं क्योंकि इसके वास्ते की अलग स्कीम है ऐसा है ना ये मेरे को समझाना है बराबर होगा सर तुम्हारी बात होगी सर तुम्हारी बात दो मिनट रुकिए होगी तुम्हारी बात सर अभी अन्ना बहुत साठे का बाजू में उनके पास नहीं है नहीं, नहीं, एक ही बना दो ना सर ये कांच हटा दो एक ही एक ही एक ही दूर बना दो किसके लिए और की बात है वही ना सर एक ही सब एक ही सब पांच ब्रांड है ना तुम्हारे पास आपने बोले ना शेख साहब पांच ब्रांड इसकी पांच है अलग अलग कास्ट के वास्ते अलग अलग योजना अभी सर चीत भी तुम्हारा पट भी तुम्हारा योजना है जी तुम समझ के मैं ये योजना की बात कर रहा हूँ ना सर मैं योजना की बात कर रहा हूँ अभी एक काम पूरे पांच हटा दो और वो पूरे एक ही रोड बनाओ नहीं ना सर तुम चीत भी तुम्हारा पट भी तेरा मैं ये बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे बराबर बोल रहे चीत भी तुम्हारा पट भी तुम्हारा नहीं चीत पट की बात आ रही ना ये हमारी समाज की फेल होना सर पांच आप बता रहे ना स्कीम ये वाल्मीकि समाज की पांच स्कीम होना सर अच्छा। ये सर ऐसा ऐसी से ना सर ऐसा नहीं है अच्छा। सर ब्राह्मण क्या बोल रहा हूँ दो मिनट सर जो पांच जो आपने बोले स्कीम वो एस सी कैटेगरी की है ना सर मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ आपसे बराबर तो वही बोल रहा हूँ सर मैं तो हमारी पाइप जो ब्रांच है वो अलग करो अरे फेल उठा के उनको जानना हाथ जोड़ के भी नहीं वो जिनका है जिनकी फेल है उनका ब्रांच अलग करो जैसे अन्ना बहुत साठे की है बाजू में है फिर बाजू में बुद्ध समाज का है अपने पास है बुद्ध समाज अच्छा ठीक दो मिनट दो अच्छा ठीक है अच्छा सर तुम्हारी बात बड़ी कर अभी मेरे को लेखी में लिख के दो क्या ये 205 सेक्शन कब तक आएंगे अपन भेज करने चाहते नहीं सर नहीं लिख के दो सर ढेर लगे भाई मेरी संस्था है मैं किसको बांट दूंगा घर में जाके सो जाऊंगा ऐसा नहीं होगा लिख के दो सर मंजूर करो लेखी तुम्हारा ही लेटर पैड में कवरिंग लगा के हेड ऑफिस को आज का भेज दो तुम देखो लिख के दे रही है कि हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा मंजूर करना मैं आज ही कवरिंग लगाता हूँ आज ही भेज देता बस ठीक है अच्छा तुम्हारे बारे में ठीक है सर तुम्हारा जो भी निवेदन क्या है तुम्हें बिल्कुल भेज देता कोई हमारे को दिक्कत नहीं उसके अंदर आपकी इज्जत कर रहा हूँ सर मैं ये भेजा कुछ नहीं आप मैं 21 तारीख को आऊंगा सर बड़ी समाज